आगे चलते हैं। अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो गुरुकुल का जो फीस है वो बहुत कम है, 8,000 रुपए पर मंथ का इसका खर्चा आता है। अगर हम लोग इसमें बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस ये सारा जोड़ लें, सही है जी, यूनिफॉर्म, क्योंकि 6-7 तरह की बच्चों को यूनिफॉर्म मिलता है, स्टेशनरी का सामान मिलता है, बुक्स मिलती है, तो ये सारा अगर हम लोग जोड़ लें तो गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है वो 1,40,000-1,50,000 रुपए तक आता है। जबकि गुरुकुल नीलोखेड़ी जो है वो आपका पूरा वहां पे एसी वगैरह लगा हुआ है, सिस्टम थोड़ा सा और हाईफाई है, मॉडर्न गुरुकुल है, तो एसी वगैरह लगने की वजह से वहां पे थोड़ा सा फीस ज्यादा है और आपका जो खर्चा है वो करीब करीब 1,90,000 रुपए से लेकर के 2,00,000 रुपए तक आता है। तो गुरुकुल का फीस थोड़ा सा आपको बढ़ जाएगा। तो चाहे वो गुरुकुल नीलोखेड़ी है, चाहे वो चमन वाटिका गुरुकुल है, चाहे वो गुरुकुल ज्योतिसर है, यहाँ पे फीस आपका करीब 2,00,000 तक जाएगा। जबकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र, क्योंकि वहां पे एसी वगैरह नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आपका फीस थोड़ा सा कम रहेगा और काफी पुराना है तो थोड़ा सा उसमें फर्क आ जाएगा। अगर हम लोग फीस में किसी कंसेशन की बात करें तो गुरुकुल में तो सीट ही नहीं मिलती है, कंसेशन तो बहुत दूर की बात है, अगर गुरुकुल में एडमिशन मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। जबकि गुरुकुल नीलोखेड़ी में अगर भाई बहन वगैरह हैं या सिबलिंग्स वगैरह हैं तो वहां पे आपको अगर एक परिवार से बच्चा आ रहा है तो आपको करीब करीब 5,000 रुपए का आपको कंसेशन दिया जाता है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।